एक तिहाई श्लोक है यानी 233 जो एक श्लोक के अनुसार आसन बना लेने पर आत्मा को उद्धार होता है। जब दूसरे श्लोक से कोई संग नहीं केवल एक ही श्लोक के धारण करने से बड़ा पार हो जाए ऐसे ऐसे श्लोक हैं। और उन श्लोकों के वहां जो आपको कमजोर मालूम दे उसी के अनुसार आप साधन कर सकते हैं, उससे ही आपने बड़ा पार है। इसके लिए भगवान ने उस श्लोकों के साथ के वहां वायदो करे हुए साफ बात या कही है कि उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। कहीं यह बात कहीं मेरी प्राप्ति हो जाती है, कहीं निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, कहीं कहीं परम गति की, कहीं परम धाम की, मतलब एक ही। जैसे नई ध्यान का अंतिम श्लोक है कि मन मना हो मद भगतो और मदिया जी मां नमस्कुरु और मामे वैसे युगते महात्मा नंग मत परायण है। इसको अभिप्राय जो है कि लोग को भाव कि मन मना भव तुम मेरे में मन लगाने वाला हो जा, मद भक्तो भव तुम मेरा भक्त बन जा, मद याजी तुम मेरी पूजा कर, मांग नमस्कुरु तुम मेरे को नमस्कार कर। इस प्रकार मन को मुझ में लगा करके तू मेरी शरण हुआ मेरे को प्राप्त होगा। तो इस श्लोक में चार बात कही, चार इस प्रकार से उपदेश की बात, साधन की बात, चार बात कही। एक तो यह कि मन मना भर तू मेरे में मन को लगा दे, दूसरी यह बात कही कि तू मेरे भक्त बन जा, तीसरी यह बात कही कि तू मेरी पूजा कर, चौथी यह बात कही तू मेरे को नमस्कार कर। तो ये जो चार जो बात है ये भगवान की शरण को स्वरूप है। एवं मत परायण भगवान कहते इस प्रकार से तू मेरी शरण हुआ तू मेरे को प्राप्त होगा, इस प्रकार से तुम मेरी शरण में। तो ये प्रकार बतलाया शरण का, ये उन सब जैसे प्रकार अर्थ में है तो शरण को स्वरूप बतलाया। क्यों बतलाया कि पर शरण को फल भगवान ने बतलाया, तो इस वास्ते शरण किसको नाम है इसे जानने की इच्छा होने की संभावना होने पर भगवान शरण को स्वरूप बतलाया। 32 के श्लोक के माँ ये नौवें अध्याय का 34 का श्लोक है और नौवें अध्याय के 32 के श्लोक में भगवान कहते हे पार्थ मेरी शरण होकर के चाहे कोई स्त्री होते पुरुष हो चाहे माने पुरुषों के माँ चाहे वैश हो चाहे शूद्र हो और उससे भी नीची योनि वाले पाप योनि भी क्यों नहीं हो, शास्त्रों में चंडाल आदि को पाप योनि में गणना की है। तो भगवान का यहाँ यह कहना है कि ऐसे जो अछूत जाति चंडाल आदि है वे भी मेरी भक्ति के प्रभाव से यानी या जो मेरी शरणागति है या शरणागति भक्ति है तो इस प्रकार से मेरी शरण हुआ जो है पुरुष है परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति ये भी परम गति को प्राप्त किया फिर तू हो जाएगा, इसमें तो कहना ही क्या है। और जो उत्तम जाति वाले ब्राह्मण क्षत्रिय जो है वे हो जाए इसमें कहना ही क्या है। नहीं ऐसे जो जाति से जो नीच है
योनि से नीचे मैंने स्त्रियां को योनि से नीच बतलाई है और ये जाति से नीच बतलाए हैं, तो उन सब का भी उद्धार हो सके है खाली मेरी शरण होने से। शूद्रों में संजय और विदुर जी ये शूद्र जाति के वहां हुए और इनका कल्याण होगा। और पापियों के बीच में गु आदि जो है और सबरी बेहनी भगवान की भक्ति के प्रभाव से उनका भी उद्धार हो गया। वैश्यों के बीच के माँ तुलाधर वैश्य है, सिद्धि वैश्य है, नंद भद्र वैश्य है, ऐसे वैश्य जाति वालों का उद्धार हो गया। और स्त्रियों के बीच के वहां तो कहना क्या की सरजो की अस्त्री जाति के वहां तो बहुतों की कथा है, वर्तमान में भी मीरा बहन की कथा है और शास्त्रों में पूर्व के जमाने में गार्गी है, मैत्री है और बहुत सी स्त्रियां भगवान की भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गई। स्वागन स्त्रियां भी भगवान की भक्ति के प्रभाव से द्रौपदी विदुर केसरी और गोपियों की तो बात ही क्या है, ऋषि पत्नियां कोई उद्धार हो गयो। तो भगवान की शरण लेने से स्त्री वही शूद्र और पाप योनि वाले चंडाला जिकों की भी परम गति बताई, इससे ये जानने की इच्छा हुई कि ईश्वर की शरण का स्वरूप क्या है। तब ये स्वरूप बतराया कि मन मनाभ मद भक्तो मदिया जी मांगनु शुरू। तो ये अब जानने की इच्छा होती है कि चार बात इसके वहां बतराई कि चारों को धारण करने से ही मुक्ति होती है कि चारों में एक या दो को धारण करने से भी, बोलो एक या दो को धारण करने से भी मुक्ति हो जाती है, परम गति की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और चारों को धारण करने से हो जाए इसमें से कहना क्या है। तो चार बात है कि मन मना भर तू केवल मेरे में मन को लगा ले। तो अब ये जानने की इच्छा हो जाती है कि केवल भगवान के मन लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जा रही, भगवान को चिंतन करने से स्मरण करने से भगवान की प्राप्ति हो जा रही, तो फिर और तीन साधना की आवश्यकता ही क्या है। बोले जैसे कोई एक होज है और उसके चार नाला है ऊपर से जल भरने के लिए, तो एक नाला खोल देने से होज भर जाती है, तो एक नाला खोलने से होज चार घंटा में भरती है, तो चारों नाला खोल देने से एक घंटा में भर जाए, दो नाला खोलने से दो घंटा में भर जाए, तो भर तो जाती है एक नाला से ही किंतु समय अधिक लगता है। तो केवल भगवान के मन लगाने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गीता की आठवीं जाके 14 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनन चेता सततन योमांग समृति नित्य सत्यांग सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी न। हे पार्थ अनंकित हुआ पुरुष जो नित्य निरंतर मेरे स्वरूप का श्रवण करता है यानी मेरा श्रवण करता है, उस पुरुष के लिए मैं सुलभ हूं, उसे योगी के लिए उस साधक के लिए मैं सुलभ हूं। तो बोले ये आसन जाके 14 के श्लोक में कहा और ये प्रकरण 9वीं अध्याय का है, वो 9वीं अध्याय का प्रमाण आप बतलाओ कि केवल भगवान के चिंतन से या ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो 9वीं अध्याय के मां भी बतला है, 9वीं अध्याय का 22 का श्लोक देखो, 9वीं अध्याय के 22 के श्लोक में कहा कि अनन्यास्यन्तो मां ये जना परिउपासते और तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। ये जना जे माने जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ ध्यान करता हुआ जो मेरी उत्तम दर्जे की उपासना करता है माने निष्काम भाव से मुझको
मेरा ध्यान करता है, जो उपासना करता है, उसका मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। भवानी जो है बहन करना, कि जैसे समझो कि कुल्ली जो है सो बोझा बहन करता है, पशु जो है सो भार ढोता है, तो इसे ढोने के अर्थ में, बहन करने के अर्थ में यह क्रिया है। भगवान का यह कहना है कि इस प्रकार से जो मेरा चिंतन जो करते हैं, उनका मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। एक लौकिक योगक्षेम है, एक समझो कि पारमार्थिक है। लौकिक योगक्षेम तो यह है कि उसका खान पान और ये सब मैं चलाता हूँ। जैसे एक अपने परिपाटी है स्वाभाविक ही, उसका आपका योगक्षेम ठीक चलता है, उत्तर देता है कि हाँ ठीक चलता है, मतलब आपका जीविका का काम ठीक है ना। तो योगक्षेम ये एक रूढ़ी है, जीविका चलने को योगक्षेम कहते हैं लोक में। तो परमार्थ की दृष्टि यह है कि योग माने अप्राप्ति की प्राप्ति, क्षेम माने प्राप्ति की रक्षा। तो मेरे मार्ग में जहां तक वो प्राप्त हो गया है, यानी मेरे मार्ग में जहां तक वो चल चुका है, उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, उसको तो मैं नष्ट नहीं होने देता। और जो प्राप्ति नहीं हुई है, कमी है, उसकी मैं पूर्ति करता हूँ, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कर देता हूँ। यानी जो साधक है मेरी प्राप्ति के मार्ग में चलता है, उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, कि किसी प्रकार से उसका किया हुआ जो है सो कायम रखता हूँ। और जब मैं कमी उसकी मैं पूर्ति करता हूँ, इस प्रकार से मैं उसको मदद करता हूँ। तो केवल एक प्रकार से भगवान के स्वरूप को ध्यान करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और यहाँ क्या, ये बात जगह जगह शास्त्रों के बीच के वहां, गीता के बीच के वहां भी, कि ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनात्मना, ध्यान आत्मनि पश्यन्ति, उस परमात्मा को अपनी आत्मा के अंदर मनुष्य ध्यान द्वारा बुद्धि से अनुभव करता है। परमात्मा के ध्यान करने से परमात्मा की प्राप्ति है, यह बात संसार में प्रसिद्ध भी है। तो ये जो गीता की 9:22 का श्लोक है कि अनन्यासमान योजना परिपाषते और तेषांग नित्यानुयुक्ता मांग योगक्षेम वहामि हम, अब एक कहानी भी है। वह कहानी इस प्रकार से है कि एक कोई ब्राह्मण थे, बड़े संतोषी ब्राह्मण, पर ब्राह्मण के मन जो संतोष है वो एक प्रकार से गौरव है, पर प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी वो निवृत्ति मार्ग वाला था, माने गृहस्थाश्रम में रहता हूं अभी, वह कुछ बड़ा त्यागी था। वे चार भाई थे, थोड़ी बहुत उनके पास संपत्ति भी थी। ये जो भगवान का भगत है, ये हर वक्त भगवान के नाम का जप किया करता था, गीता का पाठ करता था। इसके ये विश्वास था कि इस प्रकार से नित्य निरंतर जो भगवान को याद करता है, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो नित्य निरंतर भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, ध्यान करना और गीता का पाठ करना, ये इसका काम था। ये प्रातःकाल जंगल में यानी वन में चला जाता था। वन में एक तालाब था, उस तालाब के ऊपर सौ स्नान करके के संध्या गायत्री करके ब्राह्मण थे ही, एकांत के बीच के वहां भगवान के भजन ध्यान के वहां लग जाता था। और एक अध्याय गीता का, माने एक थोड़ा अध्याय का गीता का पाठ कर लिया। प्रातःकाल ये भोर में 4 बजे उठ करके वहां तालाब पर जाता और लौट करके 11-12 बजे घर पर लौट कर वापिस आता। 8 घंटा वहां ही रहता, आधा घंटा स्वस्थान करता, आधा घंटा रास्ते में जाना लग जाता, और 7 घंटा अपने खूब तेजी के साथ साधन करता।
फिर आकर के भोजन करके के और फिर वापिस चला जाता 12 बजे आता घर पर और 1 बजे फिर वापिस चला जाता। फिर रात को 8 बजे आता आकर के भोजन करके अपने हस्ती से सत्संग विषय की ध्यान विषय की भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग की बातें करके और सो जाया करता रात की 10 बजे सो जाता। 10 बजे सोना और 4 बजे उठना 6 घंटा सो। इस प्रकार से इसकी जीवनी चलती थी। भाइयों ने कहा कि भाई साहब हम लोग सब करते हैं काम करते हैं तो आप भी करें करें। तो उनके प्रति ऐसी लोग कहा कि अन्यासम जीवन तो मांग ये जना पर उपास और तेसांग नित्यान योगक से हम वहां भैया गीता की 9वें अध्याय के 22 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ ध्यान करता हुआ जो मेरी भक्ति करता है जिस काम भाव से मेरी भक्ति करता है या समझो कि श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है तो उसका मैं योग क्षेम ग्रहण करता हूँ। तो भगवान लौकिक योग क्षेम भी करते हैं पारमार्थिक योग क्षेम भी करते हैं। तो खान पान इत्यादि का सब भगवान को चिंता है जिसका नाम विश्वम्भर है तो अपने को उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। भाइयों ने जवाब दिया कि हम लोग कमा कर लाते हैं और आप बोझ करते हैं तब आप इस प्रकार का सिद्धांत बना लिया। यदि आपको रोजगार करके खाना पड़े तो आपको मालूम हो जाए आप अलग हो जाइए। उसने कहा अभी तुम्हारी मर्जी जैसे तुम लोगों की इच्छा वैसा करो। तो सभी भाई पृथक पृथक हो गए। गरीब या कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले भी नहीं थे साधारण आदमी थे मामूली पूंजी थी और 4 विभाग में करने से और मामूली मामूली पांती आई छोटा सा एक घर पांती आया और कुछ गहना कुछ बर्तन कुछ कपड़े कुछ निगद रूपये से अनुसार ये सब आए और ब्रिटेश्वरी ब्राह्मण थे इस वास्ते वृत बांट ली यजमानों को बांट दिए। उसको जो दे दिया बस ठीक है संतोषी था ही। उसकी स्त्री है वो भी पति पड़ता बड़ी उस कोटि के लिए अपने स्त्री से कहा कि अपने किससे मांगना तो है ही नहीं। जब भगवान कहते हैं मैं योग से बहन करता हूं तो देखें क्यों भगवान जो कहते हैं वो तो ठीक है और कोई अपने देने भी आवे तो भी नहीं देना है अपने तो भगवान से ही लेना है दूसरे मनुष्य से नहीं लेना। अपने जो जजमान है और वे भी किसी भेजे अपने घर के ऊपर तो नहीं रखना अपने तो किसे देना ही नहीं। बोले ठीक है घर के वहां रहने लगे। थोड़ा दिन के बाद उस अस्त्री ने कहा कि महाराज जो रुपये निगद आए थे वो तो सब खत्म हो गए अब हमने कैसे काम चलाना है। बोले तुम्हारा जो आभूषण है तुम्हारे जो गहने उसको भी काम चलाओ। बोले बहुत अच्छी बात गहना भी मामूली था बेच किसी दिन काम चलाया गया। फिर अस्त्री ने कहा कि आभूषणों को बिक्री करके जो रुपये मिले थे वो भी खत्म हो। बोले ये जो कुटिया मिली है इसको बेच अपने भाड़े पर हो। तो वो घर भाड़े ले लिया और मामूली जो घर मिला था उसको बेच दूसरा रुपया कर लिया। उन रुपये से कितना दिन काम चला वह भी खत्म हुए। यदि मनुष्य रोजगार नहीं करे तो कहावत है कि धन के कुएं भरे हुए खाली हो जाते। तो अभी सब खत्म हो गए तो क्या है। बोले थोड़े कपड़े हैं और थोड़े बर्तन है बोले इसको भी बेच दो वही बेच दिए। आस पास रहने वालों से अपने बर्तन लेकर के रसोई बना ली और पैसे भी सब खत्म हुए। तो उसने कहा कि महाराज जब कुछ भी नहीं है तो प्रातः काल उठ करके पंडित जी वहां जाने लगे गीता पाठ और जप ध्यान करने के लिए। तो
कह दिया हमारा आज अपने घर में कुछ भी नहीं है, आप जो एक धोती पहने हुए हो और एक धोती और जो आप ओढ़ कर जाते हो, ये दो ही धोती है बस आपके लिए, अगर क्या है। और इसी प्रकार मेरे लिए एक साड़ी जो पहनती हूँ, एक साड़ी बदलती हूँ, सब दो ही साड़ी मेरे लिए, और सब कपड़ा बेच दिया, सब बर्तन बेच दिए, अपने घर में जो बर्तन है ये तो पारी किसी के यहाँ से लाकर रसोई बनाई है, आज कल की रसोई बनाएगी, और घर तो भाड़े है, भाड़े वाले को आज तक रुपया भी चुका दिया, पर आज आप 12 बजे जो आवेंगे भोजन के लिए, तो भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, आज तो जल पी के रहने और क्या है। बोले बहुत अच्छी बात, वहां गए जाकर स्नान किया, तो स्नान करके संध्या गायत्री करके फिर गीता का पाठ किया, पाठ करते ये शुरू हो गया, अनन्यास्यंति अंतो मां योजना पर उपास उसने विचार कहा कि ये श्लोक तो भगवान का ही, ये भगवान का ही क्या होता, तो भगवान के वचन तो मिथ्या नहीं होने चाहिए। तो आगे अपने आसन के मां हड़ताल को रखा करता था श्लोक को सुधारने के लिए, शुद्ध करने के लिए, जितना उसे अशुद्ध होता काट दिया। तो वो हड़ताल जो है, पीढ़ी पीढ़ी जो हड़ताल होती है, वो हड़ताल उस श्लोक पर फिर मतलब इस श्लोक को नहीं पढ़ना, ये भगवान का निक्षेपक है, इसको बाद देकर के गीता का पाठ करना। तो उसको बाद देकर गीता का पाठ करने लगे, भगवान की भी वहां आंखें खुली, भगवान ने सोचा तो तेरे ऊपर तो हड़ताल लगने लगी, चलो तो भगवान एक युवा स्वरूप धारण करके, 16 वर्ष के लड़के का स्वरूप धारण करके, बड़ा ही सुंदर बड़ी मधुर वाणी रूप और लावण को देख करके पशु पक्षी मोहित हो जाते हैं, मनुष्य की बात ही क्या है। ऐसा सुंदर रूप धारण करके घोड़े पर सवार होकर और मिठाई की थाली भर करके लेकर वहां आए उसके घर के ऊपर। घर पर उसकी स्त्री थी, 11 बजे थे, तो लाकर के वो रखा, गुरु जी कर रहे हैं, बोले गुरु जी तो वहां तरह पर शोक स्नान करने के लिए गए हैं, किंतु आप गुरु कैसे कहते हो, हमारे पति तो किसी को शिष्य बनाते ही नहीं। हाँ बोले ये बात ठीक है, पर किसी को भी शिष्य नहीं बनाते, किंतु मुझको तो बना चुके, मैं भी ये जानता हूं कि वे नहीं बनाते। तो बोले मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि मेरे को शिष्य है ही नहीं, कभी बना ही नहीं और बनाऊंगा भी नहीं। बोले आपसे बात हुई वो भी ठीक है, मैं जो कहता हूँ ये भी ठीक है, मैं तो खुद उनका शिष्य हुई, तो मुझको तो बना दिया सो बना ही दिया, और अब नहीं बनाते, बोला तो एक भी नहीं बनाया। बोले मैं बैठे हूँ तुम्हारे आपके सामने, मुझको बनाया कितनी देर ना हुई, बोले अभी एक घंटा बाद 12 बजे आते। अच्छा ये मिठाई की थाली रखे, लाडू पेड़ा बर्फी सब चीज उसके वहां, और सिरुना भी सब, और भी सब पकवान। बोला मुझको तो हुक्म नहीं दे रहेगा, जब गुरु जी आओ तभी आप जाओ। बोले नहीं नहीं आप रखो, आपको कोई गुरु जी उपालंब नहीं देंगे, आप कह देना कि आपका शिष्य रख गया है। बोला मुझको हुक्म नहीं, मैं नहीं रख सकता। बोले आप रखो, मैं गुरु जी से मिल लूंगा, इसके लिए आपको कोई गुरु जी उपालंब नहीं देंगे, मैं आप बातचीत कर लूंगा गुरु जी से, एक बार रहिए और मेरे जरूरी काम है, मैं फिर जल्दी आऊंगा। ऐसा कहकर के जबरन भगवान चलने लगे। तो उसने कहा कि आप ये तो बता दो आपका नाम क्या है, कि महाराज करने से तो आपके घर पर वापिस ये चीज भेज दी जाए। मैं मेरा नाम को गुरु जी जानते, उनके एक ही शिष्य है, तो कह देना आपका शिष्य आया था, तो कह दूंगी, आपका नाम तो बतलाइए। बोले नाम बताने की जरूरत नहीं, जब गुरु जी मुझको जानते ही हैं, आप इतना ही प्रत्यय दे देना कि आज प्रातः काल जिसके मुंह पर आपने हड़ताल लगाई थी वही याद, तो आज प्रातः काल हड़ताल लगाई थी बार उसका भूल जाओ। यूं कहकर भगवान भाग गए। उस स्त्री उसकी समझ ली कि भगवान है,
जाने के बाद ही उसके पति देव आए, उन्होंने मिठाई की थाली भरी हुई देखी, बोले ये मिठाई की थाली कहाँ से आई और हमारे मना करने पर आपने कैसे ली? बोले मैंने ली नहीं है, एक कोई लड़का सा था वो छोड़ करके भाग गया और वो कहता था कि मैं उनका शिष्य हूँ। बोले तू तो जानते है मैंने तो किसको शिष्य बनाया ही नहीं, बोले ये तो मैं जानती हूँ कि आपने बनाया नहीं, किंतु वो कहता है मुझको एक को बना लिया, अब तो नहीं बनाते किंतु मुझको तो बना चुके। तो नहीं नहीं ये सब झूठ बात है, मैं तो किसी को बनाया ही नहीं। वो कूढ़ा कहाँ गया? बोले महाराज वो नाम नहीं बदल रहा, तो बोले ये मिठाई की थाली वापस कहाँ लौटाई जाएगी? बोले बहुत पूछ रहे उसने ये बात की कि मैं फिर आऊंगा तो खुद आएगा, क्योंकि उसने अपना परिचय तो दिया होगा। हम बोले इतना ही परिचय दिया है कि आज प्रातःकाल जिसके मुख पर आप अरसान लगाई थी वही था, बस इतना ही कह दिया, ये परिचय दिया है। तो आज प्रातःकाल आप किसके मुंह पर अड़ताल लगाई? मैं तो आज अड़ताल गीता के श्लोक पर लगाई थी, तो गीता का श्लोक भगवान, ताकि सारे श्लोक भगवान के मुख से निकले, इसलिए वो भगवान के मुख की हड़ताल लगी। अब तो ज्ञान आया, सचेत हुआ, बोले वो तो साक्षात भगवान थे, तेरा अव भाग्य जो तुझको भगवान के दस मरे, और मैं भाग्य ठोक हूँ माने निर्भाग्य हूँ मुझको दर्शन नहीं हुई, तो साक्षात भगवान ही थे। और बोले और एक घोड़ा लाए हैं, वो घोड़े के ऊपर जाकर देखा उसकी गुण के माँ लाखों रुपयों के रतन भरे पड़े। अब और भी निश्चय हो गया कि इतने रतन भगवान के बिना कौन लावे, घोड़े पर से तो बोझा उतारो, घोड़े का बोझा और रतनों की जो गुण है भरी हुई वो अपने कमरे में रखे। गुरानी ने कहा कि महाराज भोजन कर लो, बोले भोजन तो वो आएगा तभी करेंगे। बोले उसका महाराज क्या ठिकाना? बोले कह रहे ना आऊंगा, भगवान के भी झूठ कर बोलते शंका लगा नहीं आई तो रात्रि के स्वयं से लिखा महाराज भोजन तो कर लो। बोले नहीं भगवान के आने पर करेंगे, रात्रि के 10 बजे सोने का समय हो गया, तभी तक नहीं आए तो मुझे अब भोजन करके सोना चाहिए। बोले नहीं अब तो देखा जाएगा, जब आप दोनों आदमी भूखे सो गए, जब रात्रि 11 बजे तब भगवान आए और गुर्जे के किमाड़ों को खड़खड़ाया कि गुरानी जी तो उसकी बोली कि महाराज यही लड़का था, तो आज मैं उसकी पहचान की। दोनों उठे दौड़े, कपाट खोले, देखा सूर्य भगवान का चरणों में गिर गए। बोले भगवान के बिना इतना धन कुंड का? बोले महाराज मैं बड़ा भारी पाती हूँ, जब मैंने एक दिन भी एक प्रकार शुभ नहीं की, एक दिन का भी उपवास नहीं किया, आप तो बराबर तो देते ही रहे और देते ही हो, किंतु मेरे अपराध को क्षमा करो, कि आपने जो योगक्षेम कहा तो योगक्षेम करते ही आ रहे हो, भूखा तो आज भी नहीं रहा, तो मैं उतावला हो गया और फिर आपके मुख से निकले श्लोकों के ऊपर एक श्लोक पर मैंने हड़ताल लगाई, ये बड़ा भारी पाप किया। मैं बोले पाप नहीं किया भैया, मैंने आने में विलंब किया ना तो हड़ताल लगाना ही चाहिए था, ये तो उचित ही बात करी थी, कोई बात नहीं अब तो भोजन करो। बोलो आपको भोजन करा के तो भोजन करेंगे? बोले चलो एक साथ ही करेंगे। तो सब मिलकर के सब ने भोजन किया, भोजन करने के बाद भगवान खुश हो गए। बोला तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं खुश हो गया, जो तुम्हारी इच्छा सो तुम वरदान मांगो। बोले प्रभु जब आप मिल गए अब वरदान क्या बाकी रहा? नहीं बोला हमारे संतोष के लिए कुछ मांगना होगा, तो मांगना होगा तो ये वरदान हम आपसे चाहते हैं कि हमारे भीतर में जो योगक्षेम का जो भाव है, एक प्रकार से ये कामना भी नहीं रहनी चाहिए
निर्योग क्षम बढ़ा दो आपने, निर्योग क्षम आत्मवान, जो ऐसा अपने का आदमी योगक्षम की इच्छा नहीं हो, बस आपकी एकदम निष्काम भक्त। तो भगवान ने कहा तथा ऐसा ही होगा, इसलिए वरदान देंगे कि भगवान अंतर्धान हुए। प्रातःकाल हुआ तो कोई भी उसके घर के ऊपर आता है तो किसी को 10 किसी को 20 50 एक भोर दे देता है, रत्न किसी बिक्री कर लिए तो लाखों रुपये मंगा लिए, तो लोगों को पुण्य धर्म करने लगे। कोई भी आदमी किसी के पास जाता है तो लोग उसका घर बतवा देते हैं, वो बड़ा दानी है, उनके यहाँ चले जाइए। उनके जो 3 भाई थे उनकी स्थिति हुई कि वे सत्ते फाटके में, यानी ये जैसे सौदा होता है कि लेना देना नहीं होता, बात ही बात होती है, तो इस प्रकार से जुए में सौदे में फाटके में वे सब भाई लोग पड़ गए। तो पड़ने से उनका जो मकान है वो भी गिरवी रख दिया, और स्त्रियों का जो आभूषण है वो भी सब गिरवी रख दिया। और इस प्रकार की अवस्था हुई कि उनको न तो बाजार के वहां कोई ऋण मिले, उधारा मिले, और न कोई ऐसा सहायता मिले। इधर उधर मारे मारे भटकते फिरते हैं। किसी ने कहा अरे तेरा भाई तो मालो माल है, अब तुम भटकते फिरते हो तो तुम्हारे बड़े भाई के पास ही जाओ ना। तो सब रो देते हैं कि क्या मुंह लेकर के जाओ, जब हम उनको अलग कर दिया तो उनको शर्म आती है। बोलो नहीं, शर्म की कौन सी बात है, अपना बड़ा भाई है। तो इस प्रकार से उनके कहने पर तीनों भाई मुख नीचा किए हुए भाई के पास आए। भाई ने बड़ा आदर किया कि भैया तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है। बोले भैया हम क्या कहें, जिस दिन से आपको अलग कर दिया उस दिन से हमारी ये दशा। रोने लग गए, जो कुछ था सब एक प्रकार से तमाम एक प्रकार से खत्म हो गया। आपकी क्या हालत है? किसी ने कहा कि यहाँ तो आनंद है, भगवान जो कहते हैं योगक्षेम वहां में हूं, तो स्वयं भगवान अपने यहाँ आए थे और लाखों रुपयों के रत्न दिए गए, मौज है, कोई बात नहीं है। आपके भाई साहब तो वैसे ही बराबर वैसे अपना भजन साहब भी करते हैं। भाई साहब ने कहा कि कोई बात का विचार नहीं करना चाहिए, हम लोग तो एक प्रकार से तुम्हारा आग्रह था तो अलग हो गए, भाई कभी अलग होते हैं, हम तो सब एक ही हैं, ये धन अपने घर पर ले सकते। तो जो कुछ मिला था उसको लेकर के उसके घर के ऊपर आ गए और सब भाइयों को ये उपदेश दिया कि देखो जब भगवान इस प्रकार से कहते हैं तो संतोष करना चाहिए। भगवान कहते योगक्षेम वहां हम, तो हम लोगों को भगवान का हर वक्त चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जब भगवान का ध्यान करने से चिंतन करने से ये बात है, गीता का पाठ करना चाहिए, तो सब भाइयों को बात सिखरा दी। उसकी असली तो वैसे करती थी पर भाई लोग भी करने लगे, और थोड़े समय के बीच के वहां उनकी बुद्धि एकदम पलट गई और सुधार हो गया और सब भक्ति के वहां लग गए। घर में जब रुपये आ गए तो अपना मकान छुटा दिया, अपना आभूषण छुटा लिया, सब चीज छुटा ली और मोस्त रहने लगी। आखिर में सबको भगवान की प्राप्ति होगी। एक आदमी घर के मां ऐसा उच्च कोटि का था तो सारे घर वालों को परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये दिखलाया गया कि केवल भगवान के ध्यान से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, केवल ध्यान के साधन से। ये भगवान ने सुन एक प्रकार से नोए ध्यान कहा, बोलो ठीक है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।
सर्वं नित्यं बोधश्रुवं ज्ञानश्रुवं नाम जियं शांति शांति शांति।